ये जो आप देख रहे हो ना, आपका जो नॉस्ट्रल होती है आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी बंद नाक को खोलने में आपकी मदद करेगा। अब बंद नाक होने का कारण हो सकता है आपकी साइनस हो, या फिर हो सकता है म्यूकस बहुत ज़्यादा भर गया हो, इस कारण भी आपको नाक बंद आपका हो सकता है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिस कारण बंद नाक रहता है। तो आज हम एक ऐसे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में सीखेंगे जो आपका नाक को तुरंत खोल देगा। तो उस पॉइंट के बारे में बात करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जितनी भी वीडियो मैं रोज़ आपको बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उस एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। तो जिस एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है LI20। तो इसका जो मुख्य काम रहता है वो रहता है हमारे चेहरे के आसपास, हमारे जो साइनस जिसमें भरा होता है, हमारे जो साइनस होते हैं, हमारे जो म्यूकस जहाँ पे जमा होता है, उस भाग को क्लीन करने का काम ये ज़्यादातर करता है। और हमारी जो बंद नाक होने का जो रीज़न है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहता है कि हमारे साइनस में, हमारे जो साइनस से ये जो हमारा स्पेस रहता है, यहाँ पर म्यूकस बहुत मात्रा में बढ़ जाता है जिस कारण कि आपका जो नोस्ट्रल है वो बंद रहता है। तो जो LI20 जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये आपका होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, आपका जो नोस्ट्रल होती है, आपकी नोस्ट्रल की जो जड़ होती है, यहाँ से जो ऊपर को नाक जाता है, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल, इस पॉइंट को आपने दबाना है। अब इसको दबाना कैसे है, इसका पहले एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से दबाते हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसका काम कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो आप कर सकते हैं कि आप दोनों उंगलियों से एक साथ जो है इसको प्रेस कर सकते हैं, पर उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एक उंगली से इसको प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, राइट साइड वाले में जाना है, राइट या लेफ्ट उसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकते हैं राइट या लेफ्ट। तो सबसे पहले जो ये भाग है यहां पे आपको दबाना है, दबाइए, अच्छे से दबाइए, गुड, दबा के रखेंगे कुछ देर के लिए। जब आपको पेन महसूस होने लग जाए ना यहाँ पे, हल्का सा पेन महसूस, तब थोड़ा सा और जोर से प्रेस कीजिएगा और हल्का हल्का उंगली के साथ इसको यहाँ पे दबाते रहिए इस तरह से, ये 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है आपको यहाँ पे इस तरह से, यस, ये कर लिया 10-10 बार। उसके बाद इस नोस्टल के नीचे, ठीक नीचे यहाँ पे इसे दबाइए, जितना हो सकता है उतना आप दबाएंगे, यस, सांसें लेते रहे नॉर्मल, नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है, और जितना आप दबाव देंगे जब आपको लगे कि आपको पेन महसूस हो रहा है जब आपको उस पॉइंट पे, फिर आपको 10 बार यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करना है इस तरह से, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रोसेस आपको जरूर फॉलो करना है। अब इसी चीज को 3 बार आपको करना है, ये एक राउंड हो गया, यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपने किया, इसके बाद 2 राउंड आपको और करने हैं। इन 3 राउंड के अंदर अंदर ही आपकी जो है बंद नाक की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो ये हमारी आज की एक टिप थी, उम्मीद है कि ये टिप आपके ऊपर काम करेगी। और जब आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा रहे होंगे तो आपको ये फील करना है कि आपकी जो नाक है वो धीरे धीरे से खुलती जा रही है, ये आपको खुद भी महसूस होगा और आपको खुद से भी इस चीज़ को महसूस करना है। आप देखेंगे कि लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर या कुछ ही सेकेंड्स के अंदर अंदर आपकी जो बंद नाक है वो खुल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।